नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा, और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि मेरे इस शो को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे साझा करें, उसे फॉरवर्ड करें। दोस्तों, आज मुस्कुराने का तो बहुत मन है, मगर क्या करूं, जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो खबर मुझे चिंतित कर रही है, मुझे दुखी भी कर रही है और मुझे गुस्सा भी कर रही है। क्योंकि जिस सैनिक के नाम पर टीवी चैनल्स छप्पर फाड़ टीआरपी लेते हैं, जिस सैनिक के नाम पर सत्ताधारी पार्टी ने जबरदस्त वोट मांगे थे और पुलवामा पर सवार होकर वो दोबारा सत्ता में आई थी, आज उस सैनिक की क्या हालत है वो मैं आपको दिखलाने वाला हूं। मैं आपको बतला दूं कि हालांकि इस वीडियो को कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने साझा किया है, मगर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम उन तमाम सैनिकों के चेहरों को छिपा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उन पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आतंकवादी या नक्सली ये जान सकें कि ये सैनिक कहां तैनात है। दोस्तों, 2 मिनट का वीडियो है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इस 2 मिनट के वीडियो के अंदर सैनिक जो हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं। इस वीडियो को, इस 2 मिनट 19 सेकंड के वीडियो को मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं और एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद मैं कुछ और भी चर्चा आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो का यह हिस्सा देखिए जिसमें यह सैनिक कह रहा है कि हमें इन कमजोर बसों में भेजा जा रहा है जो बीपी नहीं है। बीपी यानी कि बुलेट प्रूफ, जो बुलेट प्रूफ नहीं है। इस सैनिक की गुहार सुनिए आप, इसकी शिकायत देखिए। कोई भी चाहे, कोई भी आतंकवादी, कोई भी नक्सली इसे आसानी से मौत के घाट, इस पर आसानी से हमला कर सकता है। सुनिए यह हिस्सा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है, तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जबरदस्ती। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, क्योंकि इस हिस्से में आपने सुना कि इन्हें अब भी ऐसी गाड़ियों में भेजा जा रहा है जो बुलेट प्रूफ नहीं है, बावजूद इसके कि हमने ये तस्वीरें देखी थी 14 फरवरी की उस तारीख को, जब पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस तरह से शहीद हुए गए थे, जब करीब 44 जवानों को एक आतंकवादी हमले में मारा गया था। उस वक्त भी जो करीब 78 बसें चली थी 300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, बावजूद इसके ये दास्तान फिर उभर कर आ रही है जो मैं आपको दिखला रहा हूं। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। यहां पर एक सैनिक दूसरे सैनिक को कहता है कि मैं मान चुका हूं और मैं मान रहा हूं कि हम लोग बगैर बुलेट प्रूफ के इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, मगर हमारी जो चिंता है, हमारी जो प्रॉब्लम है, इसकी शिकायत तो कमांडर साहब को करनी चाहिए ना। तो जवाब में वो कहता है कि क्या उसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल दें। सुनिए, कमांडर का काम है, ठीक है, कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेकर अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं, जो पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलग यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया जाओ, मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले आईटी सेल के जो गुर्गे हैं ना, वो ये तक कह देंगे कि अगर तुम सैनिक हो तो डरना क्या। मगर एक बात बता दूं,
जब ये सैनिक इस तरह से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, इस तरह से जब ये निकलता है, ये जानता है कि आज मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, इसके 80% चांसेस हैं कि मैं जो है शहीद लौटूंगा। मगर कोई आत्महत्या थोड़ी ना करता है भाई। जब आप आतंकवादियों से, नक्सलियों से लड़ रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ फाइटिंग चांस। आपको लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। माय सोल्जर्स आर सिटिंग डक्स। कोई भी उन पर हमला कर सकता है। कोई जवाबदेही है यहां पर? क्या जवाबदेही है उस पॉलिटिकल पार्टी की जिन्होंने पुलवामा के शहीदों के मुद्दे पर वोट मांगा था? याद है आपको? या फिर से याद दिलाऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? जी हां, पुलवामा के नाम पर, बालाकोट के नाम पर उस वोट मांगा गया था। अब इसका तीसरा हिस्सा सुनिए दोस्तों। यहां पर जो चीज उभर कर आती है वो बहुत चिंताजनक है। यहां पर ये शख्स कह रहा है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं, मगर हमें इस तरह से छोड़ दिया जाता है। सुनिए। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी कबाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर, और कंपनी को, टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? तो अरे आप व्यवस्था कराना, आपका काम है। ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो व्यवस्था कराना। यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको, तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। मेरे दादाजी को मैंने देखा नहीं, तो उनके जो छोटे भाई थे ना, वो मेरे दादाजी जैसे थे। वो आर्मी में थे, तो उनकी जिंदगी के अनुशासन का हमारे पूरे परिवार पर असर पड़ा था। और इस वक्त भी मेरे जो साले साहब हैं, जो मेरे जीजा भी हैं, वो सीनियर ऑफिसर हैं आर्मी में। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो ITBP में एक बहुत ही सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर क्या होता है वो मेरे सामने की बात है, इसलिए इनके साथ एक हमदर्दी लाजमी है मेरे लिए। और अगर ये लोग ना भी होते, मसलन मेरे दादाजी ना भी होते आर्मी में, या मेरे साले, या मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर है, वो ना भी होते पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में ना भी होते, तब भी आप जानते हैं कि जो सेना में होता है वो फौजी हमारे भाई जैसा है। इसलिए जब फौजी शहीद होता है ना, तो हमारे आंखों में आंसू होते हैं, नम होती हैं हमारी आंखें। और मैं उन पत्रकारों की तरह, उन सत्ता के दलालों की तरह नहीं हूं जो जब सैनिक शहीद होता है तो बजाय कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सैनिकों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। याद है आपको वो जो तेजी की बात करने वाला चैनल, उसकी एक मोहतरमा न्यूज एंकर ने कहा था कि सीमा की रक्षा सैनिक करता है, सरकार थोड़ी ना करती है। ये बात अलग है, जब एक साल पहले वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रही थी और जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैंने हमला करवा दिया बालाकोट में, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमला तो सैनिक ने किया था या हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने किया था? तब उन्होंने सवाल जो है सरकार से नहीं पूछा था। आज इन तीनों क्लिप्स को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम बिल्कुल नहीं बदले हैं दोस्तों। हमारे सैनिकों की दिक्कत अब भी वहीं की वहीं मुंबई खड़ी हुई है। आज भी कोई सवाल नहीं कर रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने संसद में 300 से ज्यादा सीटें हासिल की, इन्हीं सैनिकों की शहादत पर, इस मुद्दे पर कुछ नहीं करेगी। शर्म की बात है, आज भी कुछ नहीं बदला है। मैं आपको बता दूं, जब पुलवामा का हमला हुआ था 14 फरवरी की तारीख, उसके ठीक 2 दिन बाद मैंने पुलवामा के इंटेलिजेंस फेलियर पर यह वीडियो किया था न्यूज क्लिक के लिए। ये बहादुरी दिखाने का काम मैंने किया था। क्यों किया था मैंने? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इसलिए नहीं कि सैनिक या अर्ध सैनिक बल के लोग मेरे परिवार में हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि हर सैनिक, चाहे आपके परिवार में कोई आर्मी से ना हो, वो हमारे भाई जैसा लगता है।
और मैंने कार्यक्रम किया था, मैंने इंटेलिजेंस फेलियर पर यह सवाल उठाए थे। क्या इसका समाधान हुआ है? क्या कोई जवाबदेही तय हुई है? नहीं साहब, एक बार फिर इस कार्यक्रम को देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इस पूरे टाइमलाइन पर। आप देखेंगे कि 17 जनवरी से ही आतंकवादी कोशिश कर रहे थे कोई बहुत बड़ी घटना करने के लिए। वो बाकायदा एक ड्राई रन कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे इस बड़े हादसे के लिए। 17 जनवरी इस तारीख पर गौर कीजिए, इस तारीख को श्रीनगर के सेंट्रल राजबाग एरिया में ग्रेनेड फेंका जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां घर हैं, ऑफिसेज हैं और मीडिया संस्थाएं हैं। कई लोग यहां पर घायल हो जाते हैं। दोस्तों, 48 घंटे बाद दो और ग्रेनेड हमले होते हैं, यानी कि 18 जनवरी को, और इसमें ग्रेनेड हमले होते हैं श्रीनगर और शोपियां में। इन दोनों घटनाओं के पीछे जैश ए मोहम्मद। इसके बाद 10 फरवरी यानी से 5 दिन पहले एक ग्रेनेड हमला होता है सीआरपीएफ कंटिंजेंट पर, और इसमें 11 लोग जख्मी होते हैं श्रीनगर के लाल चौक में। आप मुझे बताइए दोस्तों, बाकायदा एक रेकी की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और इसके अलावा अब गौर कीजिए आप इस लेटर पर। यह लेटर बाकायदा सीआरपीएफ को भेजा गया था, इसमें कहा गया था, आप 7 फरवरी का यह लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं, चेतावनी दी गई थी कि आईईडी के जरिए हमला हो सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। आइए इस लेटर को आपके पूरे स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इस लेटर में बाकायदा चेतावनी दी गई है। अब हम रुक करते हैं 7 फरवरी का एक बार। दोस्तों, उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर देश के सेना प्रमुख आए थे और जनरल बिपिन रावत से यह सवाल किया पत्रकारों ने कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है? तो जानते हैं सेना प्रमुख ने क्या कहा कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। सुनिए। चुनाव से पहले क्या इस तरीके से वो बड़ी कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हैं? यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, बावजूद इसके हमला हुआ। वो जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, जब हमारी ये 78 बसेस जा रही थी जिनमें हमारे 2500 वीर सवार थे, उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल का रूट लगता है, तब तो आप आम इंसान को बहुत परेशान करते हैं। मगर हमारे सैनिक जब जाते हैं तो उन्हें इस तरह से हालात का सामना करना पड़ता है। क्यों? और ये तो बख्तरबंद गाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, सवार नहीं थे, ये तो बसों में सवार थे। क्या ये सवाल उठाए नहीं जानी चाहिए? और बात यहां नहीं रुकी थी उस वक्त। क्या आप जानते हैं कि 14 दिन भी नहीं गुजरे थे, 14 फरवरी को हमला हुआ था, 28 फरवरी को यानी कि 13वीं के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेरा बूथ मेरा वर्कर नाम से कुछ कार्यक्रम शुरू कर दिया था। आप देखिए, 14 दिन भी नहीं गुजरे थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सियासत कर दिया था। देखिए, मैं आपके सामने बात करने आया हूं बेशर्म सियासत की। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो, ये तस्वीर देखिए। 28 फरवरी को मोदी जी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस। 15,000 जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों के लोग, वॉलंटियर्स इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से करेंगे सीधा संवाद। पूछिए अपने सवाल NM ऐप या सोशल मीडिया पर मेरा बूथ सबसे मजबूत #, के साथ। आई विल बी गोइंग टू द नियरेस्ट वेन्यू विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। गेट द डिटेल्स फ्रॉम नरेंद्र मोदी ऐप। आइए 2019 में फिर मोदी सरकार बनाए। न्यू इंडिया वॉन्ट्स नमो अगेन। क्योंकि 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, एक ऐसे मौके पर जब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने तमाम फंक्शंस जो हैं कैंसिल कर दिए थे, उस वक्त जबकि मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कांग्रेस ने अपना फंक्शन कैंसिल कर दिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कह रहे थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तब आप उनके मंच पर उनके भाषण के पीछे यानी कि उनके पीछे इन तस्वीरों को देखिए। चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि देश सुरक्षित हाथों में है। यहां पर उन 44 शहीदों की तस्वीरें, यानी कि अब सियासत का यह स्तर होगा कि आप हमारे शहीदों की तस्वीरों को अपने मंच पर लगाएंगे। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का आभास था? क्या आभास था? क्योंकि देखिए, आपने अपनी आपकी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर के चलते, आपकी अपनी गलतियों के चलते पुलवामा हुआ। आपने कश्मीर को अपने निजी सियासत के लिए बार बार उसे आग की तरफ ढकेला, जिसके चलते वहां हालात बद से बदतर हो गए। और फिर जब कल ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूब गई। किस बात का जश्न भाई, किस बात का जश्न? और अब तुम अपनी जश्न की तस्वीरों से जोड़ के देखो विंग कमांडर अभिनंदन की इस तस्वीर के साथ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जश्न, तो दूसरी तरफ हमारा जांबाज अभिनंदन पाकिस्तानियों के कब्जे में। और अब बताइए कि क्या यह इस निचली सियासत के चेहरे पर एक घटिया तमाचा नहीं है? अगर ये सैनिक जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, जिनकी आवाजें सुनेंगे, अगर ये लोग शिकायत ना कर रहे होते, अगर इनकी हालत ठीक होती और अगर तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सियासत की होती, तो मैं उसका स्वागत करता कि चलिए इस पार्टी ने सियासत की, इस पार्टी ने सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे, मगर बाद में उसने हमारे सैनिकों के लिए कुछ काम किया, हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए कुछ काम किया, मगर काम कहां है? आज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद, या इस मुद्दे को, चूंकि राहुल गांधी ने भी उठाया था ट्विटर पे, आप हाथ जोड़ के, मेरी प्रार्थना है, उन सैनिकों पर कार्रवाई मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में क्या हो रहा है। इस देश के अंदर जब विद्यार्थी मुद्दा उठाता है, तो उसे UAPA के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता है, वो धारा जो आतंकवादियों पर लगाई जाती है। जब हाथरस में एक मासूम का बलात्कार होता है, वो मासूम मरते हुए कहती है कि मेरा साथ बलात्कार हुआ था, पुलिस भी अपनी FIR में धारा 376D का जिक्र करती है, जो कि गैंगरेप है, मगर फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है बनाना रिपब्लिक चैनल्स द्वारा कि साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं। तो मैं जानता हूं कि यह होता है मजलूमों के साथ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन सैनिकों के साथ प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। तो मैंने आपको बतलाया कि किस तरह की सियासत हुई थी। एक बार फिर सुनिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। खुलेआम वोट मांगे थे, और बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया था कि पुलवामा के मुद्दे पर, बालाकोट के मुद्दे पर सियासत ना कीजिए, वोट मत मांगिए, मगर खुलेआम प्रधानमंत्री ही नहीं, गृह, उस वक्त तो गृहमंत्री नहीं थे वो, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वोट मांग रहे थे। फिर से सुनिए। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आज इस कार्यक्रम का मकसद सत्ता की आलोचना भर नहीं था। यह कार्यक्रम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं उनकी आलोचना करना चाहता था। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि हम एक बार फिर खतरे का सामना कर रहे हैं, जैसा कि उन सैनिकों ने बताया। मैं फिर आपसे गुहार लगा रहा हूं कि उन सैनिकों के उस दर्द को समझिए, बजाय कि आप इसे किसी तरह की कायरता बताएं, जैसे एक न्यूज चैनल ने बताया था, उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। मैं मानता हूं कि सरकार ने कुछ काम किया है, मसलन आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर जो कहती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड इन कश्मीर अलाउड एयर ट्रैवल, गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर आफ्टर पुलवामा अटैक, यानी कि फरवरी 21, 2019 की खबर है, जिसमें गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर में जो अर्धसैनिक बल तैनात हैं उन्हें हवाई यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। सरकार ने काम किया था और इसकी मैं दिल से तारीफ करता हूं, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला है। हकीकत आपके सामने है। मेरा जो फौजी भाई है, मेरा जो अर्धसैनिक बल का जो जवान है, वो आज भी दुभर हालात का सामना कर रहा है।
जब वो ये शिकायत करता है कि उसको जो खाना दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो हम उसे गद्दार बताने लगते हैं। जब चीन के साथ संघर्ष में हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ठीक है वो मर गया तो ठीक है, वैसे भी सीमा की जो रक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी सैनिक की है, सरकार की थोड़ी ना है। इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल हम वोट के लिए करते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, मगर जब उसकी समस्या आती है तो हम मुंह पर जिप लगा लेते हैं, ताला लगा लेते हैं। मगर न्यूज चक्र का क्या फलसफा है दोस्तों? न्यूज चक्र का यह फलसफा है कि हम आपके सामने वो खबरें लाएं जिसे दबाने का प्रयास सत्ता पक्ष की ताकत करती है, और मैं अपने इस कर्तव्य से पीछे कभी नहीं हटूंगा। नमस्कार।